इसने फोन तो लिया है, अरे फोन घर रखते हैं ताकि अब तो दो फोन हो गए, अच्छी वीडियो बनाएंगे, तो घर रख के आ गया फोन। इसके साथ ज्यादा पीले दिखा कर रहा है, इसके साथ जब भी जाओ बस का वेट करता है भाई। इस इंसान की शक्ल देख लो, ये हमेशा बस के पीछे दिखेगा भागते हुए। अभी भी सरोजनी जाने के लिए बस का वेट कर रहा है। मेरे साथ जब भी जाता था ऑटो में जाता था, वही बोलता था एसी वाला, एकदम एसी वाली बस में जाऊंगा या तो ऑटो में जाऊंगा। इसके साथ मैं जा रही हूँ, सोच रही हूँ बस का वेट करना पड़ेगा एक घंटे के लिए। व्हाइट वाला ऑटो होने लग गया है, व्हाइट वाला दिखा 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 दिखा, रुक जा यहाँ पे व्हाइट वाला। इतना वेट करके फिर से हम जाने लगे हैं गाइस ऑटो में। इसके साथ रहते थे बस में ही लेके जाता भाई, ये सरोजनी नहीं पहुँचा था, खाना खाने करता है तो उधर तू बस में आई हो, इसकी वजह से हम लेट हुए। मैंने बोला था सुबह से जाएंगे हम 10 बजे निकल जाएंगे 11 बजे, क्योंकि वहाँ बहुत रश होता है, और इसने बस में वेट करा करा के तब भी बस मिली थी और लेट हो गया ऊपर से। भाई वेदर चेंज हो चुका है ना, ना ठंडा लग रहा है ना गर्म, यार मस्त हो रखा है एकदम। बस ये है कि अब सरोजनी जाके रश ना हो, कॉम्प्लेक्स मेरा लग रहा है थोड़ा, बस जल्दी से सामान लेना है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, बस जल्दी से जाना है, फिर उसके बाद घर जाके बहुत ज़्यादा काम करना है। दो कुर्तियाँ ले ली मैंने 100 की, और अभी हम आए हैं यहाँ पे बाहर खाने के लिए। कौन एप्पल ब्रांड है सर। और मैंने एक बैग लिया है भाई 350 का, जो कि 200 में मिला था, बाद में लॉस हो गया 150 का मुझे। टेस्ट करके देखो, इमली में भाई मसाला डल गया, और इमली और भी टेस्ट अभी तो इसमें करने का टेस्ट ले यार, ठंड लगा तो भाई तगड़ा, क्योंकि शॉपिंग तो हमने इतनी की नहीं है, थोड़े से बैग से अपने पास बस, तो अब खाते हैं छोले भटूरे फिर निकलते हैं कहीं और के लिए। तो आ चुके हैं अपने वेज मोमोज। जब भी आओ ना यहाँ पे जरूर आना भाई, हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे और यहाँ का खाना बड़ा टेस्टी है। अब हम ट्राई करेंगे मोमोज की, यहाँ के मोमोज कैसे हैं वेज मोमोज। चलो टूट पड़ो, ये बंदा इतना तेज है, घर से आते हुए ऑटो में आया और जाते हुए बोल रहा अब इसकी बारी थी, तो जाते हुए बोलता है कि अब बस में जाऊंगा। ऐसा करूं मैं, तो भाई ले लिया हमने अपना छोटा सा बैग। हरी मिर्च डाल। A few moments later. तो finally guys हम पहुंच चुके हैं घर। यार पता है इतना ज्यादा थक चुके थे ना, लेने के लिए हमने कुछ नहीं लिया, जैसे लास्ट वाले ब्लॉग में भी आपको दिखाया ना कि लाजपत नगर हम गए थे लेने के लिए सामान, वैसा ही सीन उसमें हुआ सरोजनी में। हम गए सामान लेने के लिए, बहुत सोचा था कि ये लेंगे, क्योंकि लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि कपड़े अपड़े कुछ नहीं लिए हैं, जो भी लेने हैं आधे तो मैंने ऑनलाइन ले लिए थे, बट थोड़े बहुत बचे थे जो मेरे को ऑफलाइन लेना था, मतलब सरोजनी जाके ही लेना था। बट हमने सोचा था मॉर्निंग में हम जल्दी निकलेंगे, होते होते तब भी 12-1 बज गया था, जाने के बाद इतना ज़्यादा रश था। तो आपको पता ही है, वैसे भी मैं जाती हूँ सबसे पहले खाती हूँ, खाया पिया आराम से, फिर उसके बाद मन हो गया भाई यहाँ से कुछ नहीं लेना, चलो चलते अपने घर के नियर हमारी मार्केट है तो वहाँ चलेंगे। वहाँ गए, वहाँ जाके भी भाई कुछ नहीं मिला, फिर उसके बाद थोड़ा और घूमे, घूमते घूमते घर पहुँचे, थोड़ा सब्जी वब्जी ली, घर का सामान वामान लिया, फिर उसके बाद घर आ गए हैं, थोड़ा रेस्ट किया, अब जाके अच्छा लग रहा है। क्योंकि आज पता नहीं यार इतना हो रहा है ना कि जैसे बहुत ज़्यादा थक चुके होने के लिए हम बहुत ज़्यादा चले हैं, 2-3 मार्केट भी घूमे बट सामान वामान ज़्यादा कुछ नहीं लिया, थोड़ा बहुत लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया है। मार्केट में एंटर करते ही ना सबसे फर्स्ट मेरे को लेना था बैग, और फर्स्ट में जैसे हमने शॉप मिली ना वहीं से हमने ले लिया, जो कि ये है। इसमें मैंने फर्स्ट टाइम अपना, इससे लास्ट टाइम में मैं जो बैग यूज़ करी थी ना यही था, इसका बस वो था कि मस्टर्ड कलर मतलब येलो कलर था, तो उसका ना यहाँ से वो निकल चुका था, तो सेकेंड टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत चला भी था मेरा वो, या 300 में क्या ही जाएगा। उससे पहले मैंने बहुत सारे बैग लिए थे 1100 1200 में, बट वो ज़्यादा चले नहीं थे, पर ये जो बैग है बड़ा अच्छा लगा कलर वाइज भी और
चलने में भी तो रीजनेबल भी था, तो मैंने ले लिया था। तो ये मैंने फिर से लिया, बट ये मैंने लिया लास्ट टाइम जो मैंने लिया था वो 300 का था, ये मेरे को मिला है 350 रुपीस का। भाई जो पहली शॉप से मैंने ये लिया 350 का, मुझे अच्छा लगा, दो शॉप छोड़ते ही यही बैग 200 के मिलने गए। टाइम पे हो गया कि यार मेरा लॉस हो गया 150 रुपीस का। इसी के लॉस के चक्कर में मैंने भाई इतनी सारी चीजें खा ली, मतलब मेरे को टेंशन होती है ना, टेंशन होता है इतनी चीजें खा लेती हूँ, मेरे को खुद पता नहीं चलता। लास्ट में मैंने सोचा यार चलो 150 का लॉस हो गया, अब अपना और ज्यादा क्यों लॉस करा रही हूँ खाते खाते। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आगे गए हम शॉपिंग करने, तो ये बैग मुझे अच्छा लगा, डार्क एकदम कॉफी कलर है। तो मैंने कहा पहले मैं सोची थी कि वही कलर रिपीट कर लेती, येलो कलर ले लेती हूँ, फिर मैंने सोचा यार कुछ नहीं हम कोई और कलर ट्राई करते हैं, तो ये लिया 100 की घर में पहनने वाली। तो ये दो कुर्तियाँ हैं मैंने लिया है, इसका नाम क्या है मुझे ये नहीं पता, बट मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि अब मैं घर जाने वाली हूँ, तो भाई मेरे को वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरी विंडो से ही गर्दन बाहर रहती है, तो उसके लिए आराम से इसको लगाऊंगी मैं कान पे और आराम से बाहर निकालूंगी मुंडे, जिससे मेरे को ठंडा भी नहीं होगा कानों में और मस्त ट्रैवल का ट्रैवल हो जाएगा। तो ये लिया, मेरे को अच्छा लगा ये, तो 200 का लिया, इतना ही लिया था और तो खाया पिया था मोमोज, और जो शॉप मैंने आपको दिखाई है वहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है, तो वहाँ बहुत सारे लोग खा रहे थे, मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, तो एक बार आप लोग भी जाना विजिट करना, बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद जो हमारे घर के नियर मार्केट थी वहाँ से मैंने लिया था, यहाँ पे आपने ब्लॉग में देखा भी होगा वो शॉप, वहाँ से मैंने ली थी एक नोज पिन छोटी सी, मेरे पास इससे बड़ी भी है, बट मैं ना अच्छी नहीं लगती बहुत ज़्यादा, क्योंकि जॉब वॉब में जाते तो बड़ी बड़ी से अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने सोचा छोटी सी ले लेती हूँ, क्योंकि ये जो होल था ना ये बंद हो रहा था, तो मैंने सोचा इसे डाल लेती हूँ। और सेकंड मैंने ली है अपने लिए, कोई रीज़न है ये मैंने क्यों ली, इससे पहले मतलब 2-3 ईयर्स पहले ना जब मेरा बर्थडे था तब मैंने अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए इयररिंग बनाए थे, ठीक है, तो ये जो इयररिंग है ना ये ब्लैक से हो चुके थे, तो मैं वहाँ पे गई थी इनकी कंप्लेन करने के लिए कि ब्लैक क्यों हो गया, ये गोल्ड का है, तो बट उन्होंने जब निकाला उन्होंने थोड़ा सा कपड़े में मतलब कोई भी कॉटन का वो था कपड़ा था आराम से रब किया, थोड़ा उन्होंने साफ किया तो एकदम क्लीन हो गया, एकदम येलो दिखने लगा था, बोला कि ये ना ब्लैक नहीं हुआ था, इनकी सफाई करनी पड़ती है, तो थोड़ा ना जैसे कुछ वॉश कर लो उसके बाद आप किसी भी कपड़े से रब करोगे तो क्लीन हो जाता है, तो उन्होंने क्लीन करा। फिर मैंने सोचा लगे हाथ देख लेती हूँ नोज पिन, तो नोज पिन भी ले ली और छोटी सी पायल भी ले ली जो कि ये चांदी की पायल थी, तो ये मुझे 1200 की मिली, मतलब 1200 की ली मैंने ये, और ये 550 की थी, तो ये दो चीज़ें ली हैं मैंने बस भाई, ये ही सब लिया, ये सब चीज़ें ले ली थी। फिर उसके बाद घर का थोड़ा बहुत सामान लिया, सोचा था कि घर आके आज सुबह सोचा था ना कि मॉर्निंग में जल्दी जाएंगे, घर वर का काम नहीं करते, आते हुए कर लेंगे, 2 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, ये है वो है, बहुत सारी प्लानिंग की, पूरी प्लानिंग एकदम ख़त्म हो गई, इतना लेट आए कि अब मन कर रहा है सो जाते हैं क्योंकि थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो इससे पहले थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, तो पहले स्टार्ट करती हूँ, इससे पहले जो मैंने आपको व्लॉग में दिखाया नहीं है, चलो स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ, बताती हूँ। ये है जिसको मैं आपको दिखाना चाह रही थी, मैं लास्ट व्लॉग बनाने वाली थी इसका भी, मैंने सोचा यार व्लॉग आने ही वाला है उसी में ही आपको दिखा दूंगी। तो ये जो हमारे घर में छोटा सा मेहमान आया था, इसे 1 मंथ हुए नहीं है भाई, और जहाँ शॉप से हमने लिया था ना उन भैया ने हमसे बोला था कि ये फीमेल नहीं मेल है, तो भाई इसका बेबी हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं इसके बच्चे को, मैंने सोचा था कि आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर सोचा क्यों ना यार व्लॉग बनाया जाए, तो आपको दिखाती हूँ इसका छोटू सा बेबी। यार उसने धोखा कर दिया हमारे साथ, पता नहीं मेल है फीमेल है यार इसका भी नहीं पता हमें। तो भाई ये छोटू सा हो चुका है, इसको 2 डेज हो चुके हैं कुकू को, पर यार इतना एक्टिव है बंदा, इतनी जल्दी जल्दी भागता है, अपनी मम्मी से भी ज़्यादा एक्टिव है, और मम्मी का भी खाना खा जाता है यार। घर आते ही एक और छोटा मेहमान आ गया, सोचा था कि एक छोटे मेहमान को लाएंगे उससे ही एक छोटा, भाई मैं सोची थी कि अपने घर लेके आऊंगी बोलूंगी भाई आज से ये मेरा बच्चा ये वो है, भाई इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हुआ कि उसने दादी भी बना दिया मुझे भाई। यही है, यही चीज़ आपको बतानी थी, पीछे से घर मत देखना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, क्योंकि टाइम नहीं मिला था, और मोस्टली वैसे घर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, जितना भी डीप क्लीन करना था अंदर का रूम बाहर ये सब सब कुछ हो चुका है। अब 1 वीक बचा है बस घर जाने का, घर जाने की एक्साइटमेंट है, बस जल्दी से जल्दी घर जाना है, तो ऐसा हो रहा है ना कि यार ये 1 वीक कब निकलेंगे और कब घर जाएंगे। और जितना भी मैंने ये सामान लिया था लाजपत नगर से और ये ऑनलाइन बहुत सारा सामान मंगा रखा था, तो बस थोड़ा बहुत इन्हीं को सेट करना है और पूरा सब चीज़ हो चुका है। तो अब आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।